हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुपर ऑडियो की ओर से आज आपके लिए लेकर आया हूं यामा का नेचुरल साउंड एवी रिसीवर। मॉडल नंबर है आर एक्स वी थ्री सिक्स सेवन। देख सकते हैं ब्लैक कलर में मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है और बहुत शानदार क्वालिटी है। बिग डायमेंशन में हैवी पीस है। पावर ऑन करके दिखाता हूँ। इसका डिस्प्ले काफ़ी बिग देख सकते हैं। इसमें फॉन्ट है और कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, उसके बाद प्ले करके दिखाऊंगा डिटेल में। इसके पावर ऑन एंड ऑफ़ के लिए मैंने आपको करके दिखा। ये YDP माइक के लिए, हेडफोन के लिए, इन्फो के लिए, मेमोरी, और ये प्रीसेट ट्यूनिंग इस साइड, FM AM इस साइड, और मैनुअल ट्यूनिंग आप इस साइड कर सकते हैं। बाकी ये इसके सिलेक्टर है, बैड DTV CD रेडियो सी। मैंने ऑडियो वन में अपना USB प्लेयर अटैच किया है। रेडियो आप इसमें रेडियो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें स्टीरियो FM है बहुत। मैं आगे वीडियो में प्ले करके दिखाऊंगा। शानदार इसमें FM है। यहाँ आपको इनपुट में इसमें मिल जाता है, जैसे देख सकते हैं AV5, ऑडियो ट्रैक 1, ऑडियो ट्रैक 2 मैंने इसमें लगाया है। बाकी टोन कंट्रोल में बेस ट्रेबल आपको यहाँ मिल जाएगी। प्रोग्राम माइनस एंड प्लस आप इस साइड कर सकते हैं। स्ट्रेंज में आप देख सकते हैं डिस्प्ले में शो हो रहा होगा LNR, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब 2.1। आप इसमें स्टीरियो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप 5.1 यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसे प्रेस करना होगा। तो देख सकते हैं 5.1 स्टीरियो हो गया, जिसमें सेंटर ये लेफ्ट और ये राइट स्पीकर, बाकी सराउंड लेफ्ट स्पीकर, सराउंड राइट स्पीकर। आप जैसे मर्जी आप इसे यूज़ कर सकते हैं 5.1 में या फिर 2.1 स्टीरियो में। बाकी वीडियो ऑक्स में भी आप इसे पुश करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ से भी इनपुट ले सकते हैं। बाकी आप इसे क्लोज करके बैक साइड से भी ले सकते हैं। इसका मेन वॉल्यूम है। आइए कोई साउंड प्ले करके इसकी साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ। ये 100 वाट पर चैनल है, बहुत हैवी एम्पलीफायर है। ये इसका मेन वॉल्यूम है। देख सकते हैं ये इसकी ट्रेबल, ये -10। और ये इसकी बेस, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इनपुट में ऑडियो 2, वीऑक्स, ट्यूनर, बाकी HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4। बाकी HDMI का तो आपको इसमें बहुत अच्छा फंक्शन मिलता है। आप HDMI 4 तक, मतलब आप अपनी LCD, LED आप इसमें ईजिली HDMI के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और उसे सराउंड साउंड का मज़ा ले सकते हैं, डॉल्बी एटमॉस का। बाकी मैंने तो यहाँ इसे ऑडियो 1 में प्ले करके दिखाया है। इसका मेन वॉल्यूम है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। तो ये तो था, इसमें मैंने आपको ऑडियो 1 के थ्रू, आप कहीं से भी इसमें इनपुट लेके वीऑक्स के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो 2 के थ्रू भी। अब आइए इसमें मैं आपको FM की परफॉर्मेंस और दिखाता हूँ FM के लिए। और गाइज इसमें FM स्टीरियो ही प्ले होगा, FM मोनो इसमें प्ले नहीं होगा। दिखाता हूँ, ये आई थिंक यहाँ से पहले ट्यूनर पे सिलेक्ट करना है, ये ट्यूनर आ जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ये 94। अब आप इसमें ऑटो ट्यूनिंग करेंगे, आपको ये प्रेस करना है एंड यहाँ देख सकते हैं ऑटो आ जाएगा लिखा हुआ, एंड ये ट्यून, यहाँ आगे ट्यून स्टीरियो। बाकी सिंगल आप यहाँ से कर सकते हैं और आप प्रेस करे रखेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें ट्यूनिंग हो जाती है। और बाकी आप इसमें एंटीने की प्रॉपर सेटिंग करेंगे तो एक स्टेशन इसमें देख सकते हैं स्टीरियो आ रहा है। आप सभी स्टेशन आप इसमें स्टीरियो का मजा ले सकते हैं। आपको एंटीने की प्रॉपर सेटिंग करनी होगी। मेरे एरिया में थोड़ी रेंज कम आती है, बट साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है FM की, देख सकते हैं। कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है। आइए अब इसकी बैक साइड और कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी बता देता हूँ। देख सकते हैं गाइज, ये इसकी बैक साइड, यामा मॉडल नंबर RX V367, यामा कॉरपोरेशन, इसकी सीरियल नंबर। देख सकते हैं मैंने दो स्पीकर यहाँ अटैच किए थे, आप सेंटर यहाँ अटैच कर सकते हैं, सराउंड लेफ्ट एंड सराउंड राइट इस साइड, FM के लिए और AM के लिए, सब वूफर के लिए इस साइड। बाकी काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है, ऑडियो आउट, ऑडियो 2, ऑडियो 1, ये CD, और ये HDMI 1, HDMI 2, 3, 4, HDMI आउट भी, और काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें।
काफ़ी हैवी प्रोडक्ट है। आइए इसका प्राइस बता देता हूँ गाइज, इसका प्राइस है 12,000 ओनली, केवल 12,000 रुपये में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और HDMI का ऑप्शन तो इसमें बहुत शानदार है। आप 1:4 HDMI इसमें यूज़ कर सकते हैं और 100 वाट पर चैनल है। 100 वाट फ्रंट, 100 वाट सराउंड, लेफ्ट राइट, प्योर 100 वाट है और काफ़ी हैवी एम्पलीफायर है। 8 to 9 kg के अराउंड इसमें वेट है और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है, मैंने आपको दिखाई इसमें FM की भी। और जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं ये एम्पलीफायर लेना चाहते हैं आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और वीडियो में बबलिंग आपको शो हो रहा होगा बट एक्चुअल में नहीं है, फ़ोन से मैं वीडियो शूट करता हूँ तो ऐसा लगता है, बट कोई फ्लक्चुएशन नहीं, बिल्कुल क्लियर है और कंडीशन देख ही रहे हैं आप एम्पलीफायर की। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।